वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए, अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई हमारा उधर उधर का, इधर जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। देखिए लकी, यहां पहले से सबसे पहले मैं मलनी से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा, और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मलनी की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की। और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। ये हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव जी के बेटे हैं। पारसनाथ यादव जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए। मैं जनता का बहुत आभारी हूं कि जनता ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव मैथमेटिक्स हो गया है। मैथमेटिक्स मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। एक ही जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, और उसका चेक कर लीजिए अगर आप चाहेंगे तो। हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे, वीडियो ये प्ले कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने क्या किया। जब डीएम, एसपी, वहां के डीआईजी, आईजी, पुलिस के अधिकारी, प्रधान, कोठेदार सब लग जाएंगे, और मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ जगह पर वो आपका टेम्परेचर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेम्परेचर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, और 10 एम्बुलेंस लगा रखी थी। तो बताओ अगर वो बात गांव में गई होगी तो क्या हुआ होगा। आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था? बताओ क्या सच है क्या झूठ। अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।